स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 अगस्त 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। 20 है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। एडमिशन संबंधित शेष बची प्रक्रिया व औपचारिकताएं पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने विभागों को 5 सितंबर तक का समय दिया है। विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल ने बताया कि प्रवेश संबंधित शेष प्रक्रिया पूरी करने के लिए 5 सितंबर तक का समय देने से संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी जाएगी। बड़ी खबर, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक तय, 31 अगस्त को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, होगी कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 31 अगस्त को होगी, इसमें कई अहम फैसले होंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणाओं को धरातल पर लागू करने के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा कई स्वास्थ्य शिक्षण और अन्य संस्थानों को स्तरोन्नत करने के निर्णय भी होंगे। ये पेंशनरों की संयुक्त सलाहकार समिति JCC की बैठक के बाद होगी। पेंशनरों की पहली JCC बैठक के एजेंडे के लिए भेजे मामले, प्रदेश के पेंशनरों की पहली संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक के एजेंडे के लिए पेंशनरों के मामले भेज दिए गए हैं। इनमें प्रदेश के पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर वित्तीय लाभ देने का मामला प्रमुख है। अभी तक प्रदेश में संशोधित वेतनमान पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर ही मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ ने सरकार से मामला उठाया कि गैर राजनीतिक संघ के प्रतिनिधियों को भी JCC में बुलाया जाए। प्रदेश के करीब 1.5 लाख पेंशनरों के लंबित मसले सुलझाने के लिए सरकार ने संयुक्त सलाहकार समिति JCC की बैठक 31 अगस्त को राज्य सचिवालय शिमला में बुलाई है। मुख्य सचिव आर डी दीवान की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पेंशनरों के प्रदेश, जिला और ब्लॉक के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। प्रदेश के पेंशनर लंबे समय से पंजाब की तर्ज पर 5, 10 और 15% पेंशन वृद्धि 65, 70 और 75 साल में देने की मांग प्रमुखता से उठा रहे हैं। ये मसला लंबे समय से लंबित पड़ा है। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने कहा है कि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में आउटसोर्स नीति का मामला मंत्रिमंडल में ले जाएगी। इससे पहले मंत्रिमंडल उप समिति पर इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि उनका एक प्रतिनिधि मंडल अपनी मांग को लेकर सोमवार को मंत्री से मिला और आउटसोर्स नीति बनाने की मांग प्रमुखता से रखी है। इससे पहले मंत्री पहले ही कह चुके कि सरकार निगम या बोर्ड के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारी रखने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। न्यू पे स्केल, हिमाचल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतनमान का मिलेगा पूरा एरियर फॉर्मूला तैयार। हिमाचल प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नए वेतनमान का पूरा एरियर दिया जाएगा। इन्हें 1 से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। एरियर देने का फॉर्मूला बना लिया गया है। वित्त विभाग ने इसकी फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी है। योजना ये कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पूरा जबकि अन्य श्रेणियों को थोड़ा थोड़ा एरियर दिया जाएगा। अभी महज 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हो पाई है। नया वेतनमान लागू होने के बाद कर्मचारियों को एरियर के रूप में करीब 7000 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एरियर जारी करने का नया प्लान बनाया है। 2 महीनों के बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव है, उससे पहले ही राज्य सरकार को नया वेतनमान देने की बाध्यता थी जो दे दिया गया है। नए वेतनमान के नियमों को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया और इसे 1 जनवरी 2022 से देना शुरू किया गया है। 1 जनवरी 2016 से एरियर दिया जाना ये करीब 12000 करोड़ रुपए बन रहा है। हालांकि करीब 5000 करोड़ रुपए अंतरिम राहत के रूप में कर्मचारियों को दिए जा चुके हैं। ऐसे में कर्मचारियों को लगभग 7000 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने बताया नए वेतनमान के एरियर का फॉर्मुलेशन बनाकर राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इस बारे में जल्दी फैसला होगा। बड़ी खबर, छात्र चुनाव से जुड़ी हुई, हिमाचल में इस बार भी छात्र संघ के नहीं होंगे प्रत्यक्ष चुनाव, मेरिट पर होगा फैसला। हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इस बार भी प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनाव होने के आसार नहीं है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में 29 अगस्त को PG की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होगी है। 30 अगस्त से स्नातक डिग्री कोर्स की नियमित कक्षाएं शुरू होगी। कॉलेजों में नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। छात्र संगठन 8 सालों से प्रतिबंधित प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनावों की वाली के लिए दबाव बनाने लगे है। ABBP संकेतक भूख हड़ताल कर चुकी है। SFI का अखिल भारतीय जत्था नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के विरोध और छात्रों के
लोकतांत्रिक अधिकार SC चुनाव बहाली को लेकर आम छात्रों को एकजुट करने लगा है। चुनावी वर्ष में सरकार और विद्यालय चुनाव बहाली के मोड में नहीं लग रही है। छात्र गुटों के बीच 2014 में हुई हिंसा को आधार बनाकर प्राचार्यों की चुनाव पर राय लेने के बाद विद्यालय ने चुनाव पर रोक लगाई थी। बिना पैसा दिए 2 करोड़ रुपए का सेब खरीद कर व्यापारी फरार, रात को कमरे की खिड़की से भागा। बिना पैसे दिए 2 करोड़ रुपए का सेब खरीद कर तेलंगाना का एक व्यापारी फरार हो गया है। आरोपी व्यापारी अन्य की केक सो मंडी में 1.5 महीने से रुका हुआ था। पैसे बाद में देने की बात कर हर रोज आरतियों से खरीदारी के बाद ये सेब को बाहर भिजवाता रहा। रविवार रात को आरोपी किसी आरती के साथ कमरे में रुका हुआ था। मौका देकर ये कमरे की खिड़की से भाग निकला। अब आरतियों के साथ बागवानों के भी हाथ पांव फूल गए। बड़ी खबर, हिमाचल में खनन माफिया की संपत्ति होगी अटैच। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन से जुटाई गई संपत्ति को अब सरकार की तरफ से अटैच किया जाएगा। अटैच की गई इस संपत्ति को जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में नीलाम करके राशि को वसूला जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के आदेश के बाद सरकार की तरफ से इस अंश संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए संबंधित STM अवैध खनन करने वालों को नोटिस जारी करेगा, जिसके बाद आगामी कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। NGT ने इसके लिए विभाग को अलग से राज्य स्तरीय नोडल अकाउंट भी खोलने के आदेश जारी किए हैं। अकाउंट में जुर्माने से वसूली गई राशि को जमा किया जाएगा। जमा की गई ये राशि विभाग की तरफ से संबंधित क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान पर्यावरण को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए खर्च किया जाएगा। वेदर अपडेट, हिमाचल में 2 सितंबर तक खराब रहेगा मौसम, भूस्खलन से 31 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में 2 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में सोमवार को येलो अलर्ट के बीच बारिश का दौर जारी रहा। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर रुक रुक कर वर्षा होती रही। मौसम विभाग ने आगामी 2 सितंबर तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। विभाग ने अगले 24 घंटों में मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में हो रही बारिश से जगह जगह भूस्खलन होने से सड़क और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोमवार को प्रदेश में 31 सड़कें और 7 ट्रांसफार्मर बंद रहे। मंडी जिले में 15, चंबा में 12 और कांगड़ा सोलन में 2-2 सड़कें भूस्खलन से बंद रही। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लोग करेंगे इलेक्ट्रिक बसों में सफर, HRDC जल्द शुरू करेगा सुविधा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के लोगों को अब जल्द ही इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने की सुविधा मिलेगी। दरअसल स्मार्ट सिटी धर्मशाला में एक इलेक्ट्रिक बस पहुंच गई है। अब इस बस का तकनीकी तौर पर ट्रायल किया जाएगा। बता दें कि स्मार्ट सिटी धर्मशाला की ओर से HRDC धर्मशाला को 15 इलेक्ट्रिक बसों के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की थी। पहली बस रविवार देर शाम धर्मशाला बस स्टैंड में पहुंच चुकी है। वहीं अब 1.5 माह के भीतर प्रस्तावित 14 अन्य बसों के धर्मशाला पहुंचने के आसार है। 12 दिन से टेंटों में रह रहे 37 आपदा प्रभावित परिवार मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे तो छलक गए आंसू। हिमाचल प्रदेश के शाहपुर दौरे पर जा रहे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार दोपहर 2:15 बजे भटियात विधानसभा क्षेत्र के सिंथा उपमंडल के ककरोटी गट्टा के करघाट गांव पहुंचे। भारी बारिश हुई भूस्खलन से घर क्षतिग्रस्त होने के बाद 37 परिवार 12 दिनों से टेंट में रह रहे हैं। बारिश के बीच छाता लेकर जैसे मुख्यमंत्री पहुंचे और बात करने लगे तो महिलाओं के आंसू छलक गए। बीना देवी पत्नी सोमकराम, स्वर्णा देवी पत्नी देश राज ने बताया कि खेतीबाड़ी कर परिवार को गुजारा करती है, घर क्षतिग्रस्त हो गया, खेत बह गया है, टेंटों में रह रही है, कैसे गुजारा होगा, हमारे भविष्य के बारे में भी सोचा जाए। बुजुर्ग स्वर्ण देवी अपनी व्यथा सुनाते सुनाते भावुक हो उठी। रोंदे गले से उन्होंने मुख्यमंत्री से फिर से आशियाना बसाने के लिए उपयुक्त जमीन और उचित मुआवजा देने की गुहार लगाई है। CM ने प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। हिमाचल में 134 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, सक्रिय मामले 1232। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को कोरोना की जांच के लिए 3267 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसमें से 134 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में 45 कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती है। हिमाचल में अब कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 1232 रह गई है।
पालमपुर में 31 अगस्त को आएंगे भगवंत मान और मनीष सिसोदिया। विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी सक्रिय हो गई है। शिमला और ऊना के बाद अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 31 अगस्त को पालमपुर आ रहे हैं। वे हिमाचल की जनता को चौथी गारंटी देंगे। इससे पहले ये नेता शिमला और ऊना में कार्यकर्ताओं में जोश भर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा है कि चौथी बड़ी गारंटी प्रदेश की महिलाओं के लिए होगी। ये कार्यक्रम पालमपुर में बुधा मल कैसल में होगा। पार्टी की गारंटी भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र जैसी नहीं होगी, जिन्हें 5 साल तक पूरा ना किया जा सके। गारंटी में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात होगी। विद्यार्थी स्कूल छोड़कर जाने लगे तो अभिभावकों ने अपने खर्च पर रख लिया शिक्षक। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सदर विधानसभा की धार पंचायत के धुआं देवी प्राथमिक स्कूल में अभिभावकों को अपने खर्च पर शिक्षक की तैनाती करनी पड़ी है। प्रति विद्यार्थी 100-100 रुपए हर माह शिक्षक को दिए जा रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि बार बार मांग के बाद भी स्कूल में शिक्षक की तैनाती नहीं की गई है। स्कूल में 3 साल से एक ही शिक्षक सेवाएं दे रही है, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षक की तैनाती ना होने से कई बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं। पहले यहाँ 60 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, मौजूदा समय में ये संख्या 40 रह गई है। जब सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से कुछ नहीं किया गया तो बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों ने अपने खर्च पर स्कूल में अध्यापक की तैनाती कर ली है। खेड़ा गोलीकांड, नालागढ़ कोर्ट के बाहर फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने दागी कई गोलियां। नालागढ़ कोर्ट परिसर के बाहर हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत मचा दी है। सारे आम कई राउंड फायर करने के बाद बदमाश फरार हो गया है। बदमाशों के निशाने पर खेड़ा गोलीकांड मामले का आरोपी अजय उर्फ सनी था, जिसे सोमवार को पुलिस नाहन जेल से नालागढ़ कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई थी। जैसे पुलिस कोर्ट परिसर में कैदी को लेकर पहुंची, हथियारबंद बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन बदमाशों का निशाना चूक गया और कैदी बाल बाल बच गया। इसके बाद हमलावर हवाई फायर करते हुए वहां से भागे। पुलिस कर्मियों ने कैदी का बचाव करते हुए बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी भागने में कामयाब रहे हैं।